Namaskar dosto, welcome to Dairy Pathshala. In this video, we are going to understand the process and design of a continuous pasteurizer. Now, we know there are two types of pasteurization. First one is high temperature, short time, and second one is low temperature, long time. Ab HTST mein normally hum kya karte hain, milk ko 72 degree Celsius par garam karte hain, 15 seconds ke liye hold karte hain, then we'll cool it down to 4 degree Celsius. Where is an LTLT? LTLT mein we are heating the milk at 63 degree Celsius and we'll hold it for 30 minutes, then we'll cool it down to 4 degree Celsius. Theek hai, to jo batch pasteurization tha na hamara, theek hai, batch pasteurization mein hum kaun si process kar rahe the, that is the LTLT. Theek hai, now in this video we are going to cover continuous flow. ठीक है, कंटीन्यूअस फ्लो पाश्चराइजेशन. अब पाश्चराइजेशन में हमें पता है कि दो मेजर ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग, राइट. अब वो हीटिंग एंड कूलिंग हमारा कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं कंटीन्यूअस पाश्चराइजर में, दैट वी कॉल्ड एज ए पीएचई, प्लेट हीट एक्सचेंजर. ठीक है, हम नॉर्मली प्लेट हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक, अब उस प्लेट हीट एक्सचेंजर में तीन मेजर सेक्शन होते हैं. ठीक है, तीन मेजर सेक्शन होते हैं. फर्स्ट इज द कूलिंग सेक्शन, रीजनरेशन सेक्शन एंड हीटिंग सेक्शन. इसके नाम से ही समझ आ रहा है, कूलिंग में दूध को ठंडा किया जाएगा, हीटिंग में दूध को गर्म किया जाएगा. रीजनरेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, हीटिंग भी होता है और कूलिंग भी होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस की कैसे. ठीक है, अब कंटीन्यूअस फ्लो पाश्चराइजेशन में, दैट वी कॉल्ड एज HTST पाश्चराइजेशन. ठीक है, इसमें मिल्क को कितने में गर्म किया जा रहा था, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड होल्ड. ठीक है, यही था, फिर उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर रहे थे. लेकिन ये प्रोसेस हमारी कौन सी थी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थी. ठीक है, पीछे से कॉन्टिन्यूसली मिल्क आएगा और कॉन्टिन्यूसली ही वो पाश्चराइज होके हमारा स्टोर कर दिया जाएगा, ऐसा ही था. अब कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस टैंक लेते हैं, राइट. एक बैलेंस टैंक होगा, ठीक है, दिस वन इज द बैलेंस टैंक. अब इस बैलेंस टैंक में हमारा क्या आया, पीछे से मिल्क बैलेंस टैंक में आया. बैलेंस टैंक में एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन करेंगे और इस बैलेंस टैंक की कैपेसिटी नॉर्मली 50 लीटर 100 लीटर इतना ही कैपेसिटी होती है. ठीक है, बैलेंस टैंक में मिल्क आया, देन इसके बाद यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा रहेगा. ठीक है, डेयरी प्लांट्स में मिल्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पंप्स यूज्ड, राइट. सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉर्मली बी यूज्ड फॉर द मिल्क ट्रांसफर. ठीक है, सो दिस वन इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पोर्ट में, ठीक है, अब इसके भी दो पोर्ट होते हैं, एक सक्शन पोर्ट एंड सेकेंड वन इज डिस्चार्ज पोर्ट. ठीक है, तो सक्शन पोर्ट से हम लोग बैलेंस टैंक का डिस्चार्ज कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अब पंप से सबसे पहले मिल्क हमारा कहाँ पे जाता है, रीजनरेशन सेक्शन में गया. अब इस रीजनरेशन में भी देर आर टू सेक्शन, सब सेक्शन. ठीक है, दिस वन इज द रीजनरेशन वन एंड सेकेंड वन इज रीजनरेशन टू. अभी हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीमेंट को कंसिडर करने वाले हैं कि कैसे पाश्चराइजेशन में हर स्टेप पे टेम्परेचर कितना कितना होगा. ठीक है, अब बैलेंस टैंक में जो नॉर्मली स्टोरेज टैंक से मिल्क आता है, द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क इज 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस का दूध पीछे स्टोरेज टैंक से आया, उसको हम रीजनरेशन सेक्शन में भेजेंगे. ठीक है, रीजनरेशन सेक्शन में, सो रीजनरेशन सेक्शन के इनलेट में कितना टेम्परेचर है मिल्क का, द टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और रीजनरेशन फर्स्ट का जो आउटलेट है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है मिल्क का, द टेम्परेचर विल बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास. अब हमें पता है व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑपरेशन एट 40 डिग्री सेल्सियस इन अ डेयरी प्लांट, दैट इज द फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन और क्रीम सेपरेशन, ये हम लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पे इजिली हम लोग अगर क्रीम सेपरेटर लगा दें इस पर्टिकुलर लाइन में, तो हमारा सेपरेशन का भी काम बन जाएगा, इजंट इट, सेपरेशन का भी काम बन जाएगा. तो यहाँ पे हमारा क्रीम सेपरेटर लगा रहेगा. ठीक है, क्रीम सेपरेटर. ठीक है, क्रीम सेपरेटर में बॉटम से मिल्क अंदर गया. ठीक है, अब इसके दो पोर्ट होते हैं. ठीक है, अपर एंड लोअर. अपर पोर्ट होता है क्रीम आउटलेट, क्रीम आउटलेट, एंड बॉटम पोर्ट इज स्किम मिल्क आउट. दिस वन इज द ऑटो स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट. ठीक है, उसके बाद हमारा मिल्क कहां पे जाता है, अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने हैं, लाइक फुल क्रीम मिल्क बनाना है, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड मिल्क. ठीक है, अगर ये हमें मैन्युफैक्चर करने हैं प्लांट में, तो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट लगी रहेगी, जिसमें से हमारा एक एंड से इसमें
किम मिल्क जाता है, ठीक है, और सेकेंड दूसरे एंड से क्रीम जाएगा, ठीक है। एक पोर्ट से स्किम मिल गया, सेकेंड पोर्ट से हमारी क्रीम गई। सपोज कोई भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट था उतने ही अमाउंट में क्रीम और स्किम मिल्क आपस में मिक्स होंगे और रिमेनिंग क्रीम हमारी क्रीम पोर्ट से बाहर निकल जाएगी। और दिस वन इज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, वो हमारा यहाँ से मैन्युफैक्चर होके निकल जाएगा, राइट। देन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन जो मिल्क है, अगेन इट विल गो टू द रिजनरेशन टू। रिजनरेशन टू में गया और वहां से हमारा क्या किस में चला जाता है, दिस वन इज होमोजेनाइजर, ठीक है। होमोजेनाइजर में जाने के बाद अब जब स्टैंडर्डाइज मिल्क, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री का मिल्क हमारा रिजनरेशन टू में एंटर करेगा और यहाँ पे आउटलेट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा मिल्क का, द टेम्परेचर विल बी अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट टेम्परेचर इज सफिशियंट फॉर होमोजेनाइजेशन। इसीलिए हमने लाइन में होमोजेनाइजर भी प्लेस कर दिया, जो कि हमारे स्टैंडर्डाइज मिल्क, जो पीछे स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है उसके बाद मिल्क को होमोजेनाइज करना होता है, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मली फैट हमारा मिक्स हो जाए मिल्क में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर होमोजेनाइजेशन मिल्क विल गो टू द हीटिंग सेक्शन। हीटिंग सेक्शन में गया, हेयर द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क इज 66-67 डिग्री सेल्सियस और दिस वन इज द मिल्क आउट, ठीक है। हीटिंग हीटिंग कितने पे होगी, देन द मिल्क विल हीट टू द, यहाँ पे मिल्क को कितने डिग्री तक हीट किया जाएगा, अप टू द पास्चराइजेशन टेम्परेचर। सपोज हमने 72 डिग्री कंसिडर किया तो 72 डिग्री का मिल्क हमारा हीटिंग सेक्शन से बाहर निकलेगा। उसके बाद जो स्टेप था वो था हमारा होल्डिंग का, 15 सेकेंड के लिए होल्ड करना है मिल्क को। होल्डिंग किस में होगा, होल्डिंग हमारा होता है होल्डिंग ट्यूब्स में, ठीक है। हीटिंग सेक्शन के बाद मिल्क हमारा होल्डिंग ट्यूब्स में जाता है, ठीक है। होल्डिंग ट्यूब में 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने के बाद देयर इज ए वॉल प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पे देयर इज ए वॉल जिसका नाम है फ्लो डाइवर्जन वॉल। बेसिकली ये वॉल क्या करेगी, इसके इनलेट पे हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा रहता है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर को, ठीक है, वॉल में जब एंटर हो रहा है मिल्क वहां पे टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा 72 डिग्री सेल्सियस पर हुआ, ठीक है, होल्डिंग के बाद, तो एफडीवी जो होगी, फ्लो डाइवर्जन वॉल होगी, मिल्क को डाइवर्ट नहीं करेगी, मिल्क को डायरेक्टली पास कर देगी टू द रीजनरेशन सेकेंड, ठीक है, रीजनरेशन सेकेंड में, देन रीजनरेशन फर्स्ट। उसके बाद मिल्क को हम कूल डाउन करके टू द 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विल स्टोर दैट मिल्क टू द पास्चराइज्ड मिल्क स्टोरेज टैंक, ठीक है। अब मान लो मिल्क का टेम्परेचर हमारा 72 डिग्री सेल्सियस नहीं था, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एफडीवी मिल्क को बाईपास कर देगी और कहां पे ट्रांसफर कर देगी, कहां पे ट्रांसफर कर देगी, टू द बैलेंस टैंक, ठीक है। दोबारा से फिर मिल्क का पास्चराइजेशन होगा। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इन द कॉन्टिन्यूस पास्चराइजर इज द रीजनरेशन सेक्शन। अब रीजनरेशन सेक्शन में, रीजनरेशन टू में मिल्क इनलेट हो रहा था, तो टेम्परेचर कितना था मिल्क का यहाँ पे, दैट इज द पास्चराइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इनलेट था, ठीक है। और वो फर्दर अपनी हीट किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, किसके साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है, वो जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन के बाद, ठीक है, मिल्क आ रहा था, ठीक है, उसके साथ अपनी हीट एक्सचेंज करेगा, ठीक। हीट एक्सचेंज करने के बाद 72 से मिल्क का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दैट विल बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दैट विल बी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, 40-50 डिग्री सेल्सियस इतना उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। और उसके बाद हमारा मिल्क कहाँ पे जा रहा है, रीजनरेशन वन में, 40 का रीजनरेशन मिल्क में एंटर किया, अब वो अपनी हीट एक्सचेंज किसके साथ कर रहा है, जो मिल्क हमारा बैलेंस टैंक से रीजनरेशन वन में आ रहा है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस का जो मिल्क आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, मिल्क का टेम्परेचर हमारा 40 से घट के कितना हो जाएगा, 20-25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर हमें 20 डिग्री सेल्सियस से मिल्क को 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन करते हैं, कौन से सेक्शन में, पास्चराइजर के कूलिंग सेक्शन में, ठीक है। अब हीटिंग और कूलिंग तो हो रही थी, लेकिन किसकी सहायता से होगी, कूलिंग किसकी मदद से होगा, ठीक है, कोल्ड वाटर से, ग्लाइकोल वाटर, और कोल्ड वाटर हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस वन इज द
कोल्ड वाटर इन, दिस वन इज द कोल्ड वाटर आउट. ठीक है, सिमिलर केस फॉर द हीटिंग सेक्शन. अब मिल्क हीट तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 65 से 72 पे हीट तो हुआ, लेकिन किसकी मदद से हीट होगा? विल सर्कुलेट हॉट वाटर. ठीक है, दिस वन इज द हॉट वाटर इन, हॉट वाटर आउट, एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर विल बी अराउंड 76-78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब बहुत से डेयरी प्लांट्स में आप देखेंगे कि एफडीवी के बाद एक पंप लगा रहता है. ठीक है, यहाँ पे भी एक पंप लगा रहेगा. इस पंप का नाम क्या होता है? इस पंप का क्या नाम होगा? दैट इज द बूस्टर पंप. ठीक है, इसे बूस्टर पंप बोलते हैं. ये पास्चराइज्ड मिल्क को जब रीजनरेशन सेक्शन से पास करते हैं ना, ठीक है, रीजनरेशन सेक्शन से पास करते हैं, सपोज करके चल रहे हैं हम, जो पीएच यहाँ पे है रीजनरेशन सेक्शन में, कोई रीजनरेशन सेक्शन में प्लेट्स, कुछ प्लेट है वो डैमेज होगी. ठीक है, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ गए या वो डैमेज हो चुकी है अंदर से. अब बाहर से तो हमें पता नहीं चल रहा कि प्लेट्स डैमेज है. ठीक है, तो वो डैमेज हो चुकी है और जो रॉ मिल्क हमारा आ रहा है, अब रीजनरेशन सेक्शन में बेसिकली हीट एक्सचेंज कहाँ कैसे हो रही है? जो रॉ मिल्क, अनपाश्चराइज्ड मिल्क जो आ रहा है, वो अपनी हीट एक्सचेंज किसके साथ कर रहा है? पाश्चराइज्ड मिल्क के साथ कर रहा है, राइट. फिर वो पाश्चराइज्ड मिल्क हमारा हीट एक्सचेंज करने के बाद थोड़ा टेम्परेचर कम हो, उसको हम स्टोर कर रहे हैं. यही है, अगर सपोज किया रीजनरेशन सेक्शन में हमारी हमारी प्लेट्स डैमेज है तो क्या होगा? जो रॉ मिल्क है वो पाश्चराइज्ड मिल्क में मिक्स होने लग जाएगा. पाश्चराइज्ड मिल्क में मिक्स हुआ तो वो इम्प्योरिटी होगी, मतलब कि हमारा पाश्चराइजेशन एफिशिएंट नहीं हुआ, उसमें फिर से माइक्रोबियल पैथोजेंस ने एंट्री ले ली, राइट. ऐसा ही होगा. तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं प्लांट्स में, आपने देखा होगा कि एफडीवी के बाद एक बूस्टर पंप लगा देते हैं. ठीक है, जो कि पाश्चराइज्ड मिल्क का जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, राइट. उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा. अब हम कंसीडर करके चलते हैं, देयर आर टू फ्लो. ठीक है, दो फ्लो है, एक लिक्विड का फ्लो ये है और दूसरे लिक्विड का फ्लो ये है. ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट लिक्विड, दिस वन इज सेकेंड लिक्विड. इसका प्रेशर है सपोज किया 2 बार. ठीक है, इसका प्रेशर है 1.5 बार. ठीक, इस वाले लिक्विड का, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वही लिक्विड हमारा कम वाले में मिक्स होगा. ठीक है, कम वाला कभी भी ज्यादा वाले प्रेशर में मिक्स नहीं हो पाएगा. सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर प्लेट डिफेक्टिव निकली, बूस्टर पंप लगा दिया, पाश्चराइज्ड मिल्क हमारा रॉ मिल्क में मिक्स हो जाएगा. ठीक है, पाश्चराइज्ड मिल्क रॉ मिल्क में मिक्स हो जाएगा, ना कि रॉ मिल्क पाश्चराइज में जा पाएगा. पाश्चराइज कितना ही मिक्स हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन रॉ मिल्क मिक्स नहीं होना चाहिए. इससे हम क्या है अपनी पाश्चराइजेशन प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं. ठीक, सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूस फ्लो पाश्चराइजेशन दैट वी कॉल्ड HTST, राइट. सो वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.